तो दोस्तों मैं आपको पहले लैपटॉप दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आप अपना व्हाट्सअप ओपन करते हैं तो दोस्तों आपको इस तरह करने देखने को मिलता है। बट दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप के इस पर किसी भी व्हाट्सअप चैट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपका जो व्हाट्सअप चैट स्क्रीन है आपको इस तरह का देखने को मिलता है। बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस चैट स्क्रीन को चेंज करना तो दोस्तों आपको व्हाट्सअप में कुछ ऐसी सेटिंग होती है जिस सेटिंग को अगर आप लोग कर लेते हैं और दोस्तों जैसे ही वो सेटिंग को करने के बाद आप ओपन कीजिएगा और उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखते दोस्तों आपका व्हाट्सअप चैट स्क्रीन है आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ कुछ यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ दोस्तों मैसेज सेंड कर देता हूँ हेलो फ्रेंड उसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका जो स्क्रीन है दोस्तों यहाँ पे चेंज हो चुका है। सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो व्हाट्सअप चैट का स्क्रीन है दोस्तों सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस तरह से दोस्तों अपना व्हाट्सअप चैट स्क्रीन चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सअप को कुछ सेटिंग करने के बाद अपने व्हाट्सअप चैट स्क्रीन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों आपको इस वीडियो को दोस्तों आपको लाइक कर देना है। दोस्तों जैसे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दिया उसके बाद दोस्तों आपको सब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स और उसके बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप लिंक। तो दोस्तों आपको इस लिंक पर क्लिक करके एक एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा तो दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप ओपन कीजिएगा तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखो तो आपको एलो कुछ मांगे परमिशन दोस्तों तो आपको ओपन कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आपको एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डाल देना है। चलिए दोस्तों मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों करना क्या दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक किया तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो वो चैट का ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड आपको चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और थीम का ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड आपको थीम पर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओके पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करें तो दोस्तों आपको उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए करना है दोस्तों आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको मिलेगा जीबी सेटिंग दोस्तों तो आपको जी वाले सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस पर क्लोज पे ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन मिलेगा दोस्तों चैट स्क्रीन तो दोस्तों आपको चैट स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखते दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा बबल एंड ट्रिक का तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा तो दोस्तों कन्वर्शन बैकग्राउंड कलर अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों इसका कलर चेंज करना तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको बबल स्टाइल ऑप्शन पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो दोस्तों आपको ये वाला दोस्तों आरसी सैम्स बोर्ड तो आपको इस पर क्लिक करना है तो आपका जो है दोस्तों यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो कन्वर्शन बैकग्राउंड कलर उसके बाद दोस्तों आपको राइट बबल कलर तो दोस्तों आप जो इधर से जो मैसेज सेंड किया तो उसका कलर किस तरह का होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे कोई सा यहाँ पे मैं नया कलर डालता उसके बाद इस पर क्लिक करता तो आपका जो कलर है दोस्तों आपको यहाँ पे देखो इसका कलर चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो राइट का इसका कलर का थीम है दोस्तों टेक्स्ट कलर का तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसे आपको ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से आपको ब्लैक कर देना। ब्लैक कर दिया उसके बाद उस पर क्लिक करता है आपका जो दोस्तों ये जो आपका टेक्स्ट कलर है दोस्तों आपके यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे उधर से दोस्तों कोई चैट का मैसेज आता है तो लेफ्ट बबल कलर उसके बाद दोस्तों बबल इस पर क्लिक करना है और आप उसे चाहते हैं रेड तो रेड पर क्लिक करके आपको उस पर क्लिक कर दिया था यहाँ पे देखो उसका जो कलर है दोस्तों यहाँ पे रेड हो चुका है। अगर उसके बाद दोस्तों फिर आपको टेक्स्ट कलर का भी उसको आपको चेंज करके आपको व्हाइट रख देना है दोस्तों व्हाइट नहीं तो ब्लैक आपको रख देना है जैसे मैं ब्लैक रखा था हम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक आता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसका जो कलर है सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है दोस्तों। मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे देख दो मैं यहाँ पे कुछ भी सेंड करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इस पर और थोड़ा डिटेल में वीडियो तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कीजिए तो दोस्तों मैं जी भी व्हाट्सअप के पूरा फुल मतलब इस एप्लीकेशन के फुल ट्यूटोरियल बताऊँगा कि आपको किस तरह से सेटिंग करना है। दोस्तों अगर आप इस अभी ओपन किया तो दोस्तों आपको इस तरह का देखने को मिलता है। बट अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन को हटाना इस वाले ऑप्शन को हटाना अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप वाले ऑप्शन को हटाना सब कुछ हटाना आपको नॉर्मल व्हाट्सअप की तरह देखना तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कीजिए तो मैं दोस्तों आपको एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं फुल इसका ट्यूटोरियल बता दूंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।